हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ शाहिन सैयद। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे ठंडा ठंडा और बहुत ही टेस्टी रोड साइड का एप्पल शेक। ये पीने में बहुत ही टेस्टी लगती है गर्मियों के सीज़न में। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, और हमेशा की तरह रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं स्ट्रीट फूड या रोड साइड एप्पल शेक की रेसिपी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पैन चढ़ा दिया है, और इसमें हम ऐड कर देंगे आधा कप पानी। साथ साथ हम इसमें ऐड कर देंगे एक तिहाई कप यानी कि 6 टेबल स्पून्स के आसपास चीनी। चीनी हमने इसके अंदर घोल लेना है मीडियम फ्लेम पर। तो गैस का फ्लेम मैंने बस अभी ऑन किया है और चीनी भी साथ साथ ऐड कर ली है। इसको थोड़ा सा हम मिला लेते हैं ताकि चीनी इसमें पूरी अच्छी तरह से घुल जाए। बस कुछ ही देर में जैसे ही चीनी इसमें घुल जाती है तो फिर हमने इसके अंदर थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर लेना है। जो रोड साइड पर मिलता है उसका कलर थोड़ा सा ऑरेंज होता है। अगर आप चाहें तो फूड कलर स्किप कर सकते हैं, तो एप्पल शेक का कलर जो है ये बिल्कुल वाइट सा बनेगा। इसको थोड़ा सा मैंने मिक्स कर लिया है, और मैं यहाँ पर ऐड करूँगी एसेंस। मैंने केवरा एसेंस ऐड किया है। आप चाहें तो आप इसके जगह पर 3 से 4 बूंद वनीला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। वनीला एसेंस से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो बस ये मिक्स हो गया है, अभी बस एक तेज़ उबाल आ जाए इसके अंदर तो गैस का फ्लेम हमने ऑफ कर लेना है। हमने इसको बस उतना ही कुक कर लेना है कि चीनी बहुत अच्छे से घुल जाए। चाशनी को पूरा हमने ठंडा कर लेना है। यहाँ पर मैंने आधा लीटर दूध लिया है। दूध भी मैंने गर्म करके उबाल के ठंडा कर लिया है और फिर इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो सीधा पैकेट से निकाल कर कच्चा दूध भी ऐड कर सकते हैं। रोड साइड में कच्चा ही ऐड किया जाता है। और जितना आप मीठा पसंद करते हैं उतनी चाशनी आपने ऐड कर लेनी है। इस रेसिपी में जितना मैंने चाशनी बनाया था वो सारा ही मैंने ऐड कर लिया है, और इसको बहुत अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। चाशनी गरम गरम ऐड ना करें, ठंडा करके ठंडे दूध में ऐड कीजिएगा। बस अब चाशनी जब जैसे ही इसमें मिल जाए तो फिर हमने इसमें बाकी की चीज़ें ऐड कर लेनी है। तो मैंने यहाँ पर एप्पल लिया है क्योंकि हम ये एप्पल शेक बना रहे थे, और मोटे ग्रेटर से उसको ग्रेट करके सीधे हमने जूस में ही ऐड कर देना है। अगर आप इसको बाहर प्लेट पर ग्रेट करेंगे तो एप्पल जो है ये काला पड़ जाएगा। तो एक मीडियम साइज़ का या बड़े साइज़ का एप्पल आप ग्रेट कर लें। आपको अगर वो मुँह में आता हुआ ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप उसको बारीक ग्रेटर से ग्रेट करिएगा, या फिर आप उसको चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। ये मैंने ऐड किया है सब्जा के बीन्स, जिसको मैंने पानी में भिगो के 10 मिनट छोड़ दिया था, और ये अच्छे से फूल गया है। गर्मियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। और एक ट्रे मैंने यहाँ पर बर्फ़ ऐड कर दी है। बर्फ़ ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लें। ये बहुत ज़्यादा चिल्ड सर्व किया जाता है रोड साइड पर आपकी मर्ज़ी है। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा चिल्ड नहीं पीना चाहते हैं तो बर्फ़ अवॉइड कर लें। थोड़ा सा ठंडा करके भी आप इसको रिलिश कर सकते हैं। तो ये हमारा बहुत ही मज़ेदार एप्पल शेक बनके तैयार है। ये देखिए, चीनी की क्वांटिटी आपने सही रखनी है क्योंकि हम इसमें बर्फ़ वगैरह ऐड करते हैं। तुक मलंगा में भी पानी होता है तो इससे ये थोड़ा सा फीका पड़ जाता है। तो बस अब इसको हम सर्व कर लेते हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर कटे हुए नट्स भी ऐड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक इजाज़त चाहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक गुड केयर। बाय।